हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ईरम खाना खजाना में स्वागत है। आज हम आपको एक नई रेसिपी बताएंगे जिसका नाम है आलू धनिया बनाना। आलू धनिया जो है वो बहुत ही चटपटी और टेस्टी होता है, तो हम उसके लिए आपको क्या क्या सामान यूज़ करना है उससे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लेना है, देखिए हमने लाल मिर्च ले लिया है और जीरा हमने ले लिया है, और ये है हमारी हरी धनिया जो हमने काट लिया है, और ये ऑयल है हमारा, और ये देखिए हरी मिर्च हमने भी इसे छोटे साइज़ में कट कर लिया है, और ये हमारा है धनिया पाउडर, और ये हमारा आमचूर पाउडर, और नमक जो हमें स्वाद अनुसार लेना है, और सबसे मेन बात है हमको आलू का यूज़ करना है। इसमें देखिए हमने छोटे साइज़ में आलू ले लिया है, देखिए इसे हम उबालेंगे। सबसे पहले हम इन मसालों को जो हमारा जीरा है और लाल मिर्च है हम इसे सबसे पहले भून लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको हल्के मीडियम आंच में, ज़्यादा नहीं बहुत हल्के मीडियम आंच में इसको हम भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये ब्राउन हो गया है, अब हमें इसे उतार लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। मिक्सर में हमें इसे बारीक पीसना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। देखिए अब हम इसके बाद में हम आलू को उबाल लेंगे पानी में। देखिए फ्रेंड्स हमने पहले ही पानी को गर्म करके रखा हुआ था, अब हम इसमें अपने आलू को डाल देंगे और कम से कम हम इसे 20 या 15 मिनट तक उबालेंगे, जब तक हमारे आलू पूरी तरीके से उबल नहीं जाते। अब हम इसे ढक देंगे। ढकने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साल्ट, इससे हमारे आलू फूटेंगे नहीं। देखिए हमने डाल दिया, अब हम इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा आलू हो गया बिल्कुल, अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए देखिए बिल्कुल हमारा हो गया। देखिए ये फ्रेंड, देखिए ये जब आपका आलू हो जाए तभी आप इसको निकालेंगे, अगर आप इसे हाफ उसमें निकाल लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा डिश खराब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब हम इन सभी आलुओं को धीरे धीरे करके छील लेंगे, बिल्कुल साफ, हमें छिलका थोड़ा सा भी इसमें छोड़ना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स फटाफट हमारे ये छिलके उतर रहे हैं क्योंकि हमारे आलू पूरी फुल तरीके से हो गए हैं। हम ऐसे ही देखिए आप इस रेसिपी को बना के किसी को भी खिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा हो चुका है, अब हम इसके बाद में इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं, मैं देखिए छोटे छोटे आकार में इसे कट कर रही हूँ। आप चाहे इसे लंबा काट सकते हैं, चाहे गोल आकार में काट सकते हैं, पर मैं यहाँ इसे एक अलग ही डिज़ाइन में काट रही हूँ। ऐसे सारे आलू को आपको एक एक करके सबको ऐसे ही काट लेना है। देखिए ऐसे ही फटाफट कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने फटाफट इसको कट कर लिया है, अब ये हमारा लास्ट आलू बचा हुआ है, इसे भी हम जल्दी से कटाकट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे, जिससे जो हमारा इसका स्वाद है बहुत ही अलग और बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने तेल डाल लिया है इसमें, अब ये हमारा गर्म हो जाए हम इसे चारों तरफ थोड़ा सा फैला लेंगे। अब हम इसमें अपने सारे आलू को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हम इसे ऐसे ही भूनेंगे जब तक ये हमारा थोड़ा सा
खुशबू डालने लगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बनाया था हम उसे डाल लेंगे। अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे अपना आमचूर पाउडर डालेंगे हम, और फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। देखिए हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आ रहा है। और हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे कि अच्छी तरीके से हमारा इसमें मिल जाए। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे हरा मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। देखिए हमको जितना आपको तेज़ नमक चाहिए तेज़ डालिएगा, और अगर आपको तीखा चाहिए ज़्यादा तो आप मिर्च की मात्रा ज़्यादा करेंगे। देखिए अब हम इसमें सबसे लास्ट में अब हम अभी इसको कुछ देर तक ऐसे ही फ्राई करेंगे इसको। देखिए फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे लास्ट में इसमें हरी धनिया मिक्स करेंगे। देखिए हमने हरी धनिया मिक्स कर दिया है, और इसको सारे आलूओं में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए हमारा मिक्स हो गया है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा ये भून गया है, और कितनी अच्छी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए सभी, देखिए फ्रेंड्स हमारा बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है। फ्रेंड्स ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा ये आपको खाने में ही लगेगा। और अगर आप एक बारी से खाएंगे तो बार बार खाने की इच्छा करेंगे। और इसे आप बनाना, हमारे डिश को बनाना मत भूलिए। इसे बनाइए और खाइए, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों मेहमानों को भी खिलाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।